एक बार की बात है, पहाड़पुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब जरूर था, लेकिन था बहुत बुद्धिमान और मेहनती, जो बहुत मन लगाकर खेती करता था। पर एक साल पहाड़पुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण विक्रम की सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और वो कर्ज के तले दब गया। इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि कर्जदार रोज उससे आकर अपने पैसे मांगते थे। विक्रम, आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। एक हफ्ते का समय देता हूँ, अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ले दे के एक खेत ही तो बचा है मेरे पास, मैं किसी भी तरह एक हफ्ते में आपका कर्ज चुका दूंगा। विक्रम ने सेठ को पैसे वापस करने का वादा तो कर दिया, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। सेठ तो फिर से पैसे मांगने आ गया, अब क्या करूं? कहीं छुप जाता हूं। विक्रम, अरे कहां चले गए? लगता है पैसे देने के डर से भाग गया, पर कितने दिन भागेगा? मैं कल फिर आऊंगा। उस दिन तो विक्रम छुप के बच गया, लेकिन सेठ की अगले दिन फिर आने की बात सुन वो घबरा गया। आज तो बच गया, पर कल कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करके थोड़े दिनों में वापस आकर इसके सारे पैसे चुका दूंगा। तुरंत जंगल के रास्ते शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई, तभी अचानक से उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कैसी हैं? इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, वहीं झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर उसके सामने आ गया। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। शेर से जान बचाने के लिए विक्रम जंगल की ओर भागा और शेर उसके पीछे। विक्रम भागता हुआ शेर से बचने की जगह खोज रहा था, तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने बंगले पे पड़ी, जो देखने में ही डरावना लग रहा था। इस जंगल के बीच ये बंगला किसका है? कहीं कोई भूतिया बंगला तो नहीं? इसके अंदर जाऊं कि नहीं? पर इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, शेर बिल्कुल उसके पास आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब क्या करूं? आगे भूत, पीछे शेर, कहां जाऊं? बंगले में ही जाना उचित होगा, क्या पता इसमें कोई भूत ना हो और ये सिर्फ मेरा वहम हो। विक्रम शेर से अपनी जान बचाने के लिए बंगले के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाहर से बंगला जितना डरावना लग रहा था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था, बस थोड़ा पुराना था। वाह, क्या बंगला है! कोई है? अरे सुनो, कोई है? भाई मैं मुसाफिर हूँ, बुरा ना मानो तो आज रात यहाँ रुक जाऊँ। बाहर मेरे पीछे एक शेर पड़ा है, अरे कुछ तो जवाब दो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, फिर तो मैं यहाँ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। बंगले में किसी को नहीं पाकर विक्रम खुश हो गया, और होता भी क्यों ना, आखिर उसे सेठ और शेर दोनों से छुपने की जगह मिल गई थी। वह आराम से वहां सोने की तैयारी करने लगा। विक्रम बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो गया, तभी अचानक वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और आसपास एक धुआं उठता है और धुएं से एक भूत बाहर आता है। पर विक्रम इन सब से बेखबर आराम से सोता रहता है। भूत उसे गौर से देखता है। बड़े दिनों के बाद आज कोई इंसान महल में आया है, आज इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। उठ जा इंसान, बहुत हो गया आराम, अब मैं करूंगा तुम्हारा काम तमाम। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था कि भूत के बार बार उठाने से भी उसकी नींद नहीं खुली। यह देख भूत बहुत गुस्सा हो गया और अपने भूतिया शक्तियों से उसे उठाने लगा। ये कैसा इंसान है जो भूत से डरकर भी नहीं उठ रहा? अभी दिखाता हूँ एक भूत की असली ताकत। ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी दिखाता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक, राजा शक्ति सिंह का भूत। भूत? क्या तुम सच में भूत हो और ये बंगला? हाँ, मैं सच में भूत हूँ और ये बंगला एक भूतिया बंगला है, जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सका। और अब तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें खाके अपना पेट भरूंगा। क्या
मुझे खाओगे? अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। लगता है ये भूत मुझे खाकर ही मानेगा, पर बचने के अंतिम उपाय करके देखने में क्या हर्ज है? तो तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ। वैसे अभी मेरे मरने का समय आया तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे खुशी खुशी खाओ, मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मतलब मुझे एक ऋषि का वरदान है कि मैं मर के भूतों का राजा बनूंगा, और वैसे भी इस इंसान की जिंदगी से अब मैं तंग आ गया हूँ, मुझे भूतों का राजा बनना है। भूतों का राजा? हाँ, और भूतों का राजा बनकर मैं तुम्हें मेरी नींद तोड़ने की ऐसी कठोर सजा दूंगा कि फिर किसी की नींद तोड़ने लायक नहीं रहोगे। आखिर विक्रम की चाल काम कर गई और भूत उसकी बातों से डर गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि इतने बड़े महल में कोई खजाना है कि नहीं? हाँ हाँ, मेरे महल का सारा खजाना मैंने भूत बनने के बाद भी संभाल कर रखा है। ठीक है, सारा खजाना लेकर मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की और मैं खुश हुआ, तो भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। भूत विक्रम की बात मान बंगले का सारा खजाना लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। खजाना मिलने के बाद विक्रम ने सबसे पहले सेठ का कर्जा चुकाया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुखी होकर बिताने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और भूत की वजह से कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भूत से भी बच गया और अपनी सारी समस्याएं भी हल कर ली, क्योंकि अब वो गरीब नहीं अमीर हो चुका था।